महाटीटी और टेट एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके लिए कई लोगों का सवाल था कि सर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहिए, हम लोगों को नया नया अपडेट जो रहेगा वो देते रहिए। आप लोगों को मालूम था कि फेब के महीने में इसका एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी सफाई दी है और एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इनका कहना है तकनीकी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए परीक्षा को क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी एग्जाम होने वाले थे फेफ के अंदर, उसको लोगों ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया है महाटीटी वालों ने। जैसा आप लोगों को मालूम है पेपर जो है मराठी उर्दू और इंग्लिश में होने वाला था, तो उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स आ रहा था, जो भी उनका टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा था, इसकी वजह से पेपर को इस महीने में यानी कि फेब महीने में ना लेकर थोड़ा आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन महाटीटी का आ जाएगा और इसका एग्जाम जो होगा अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक तक होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए इस रिपोर्ट के अनुसार। और रही बात कि टेट के एग्जाम कब तक होगा, तो टेट के लिए एक खुशखबरी यह है कि हमारे यहाँ से बहुत से बच्चों ने पिछली बार क्रैश कोर्स किया था, बस 20 डेज का किया था, क्योंकि उस वक्त टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम जरा भी नहीं मिला था, तो 20 डेज का हम लोगों ने क्रैश कोर्स कराया था, जिसके अंदर से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन गेट किया है। आज ही उसका रिजल्ट आया है सिलेक्शन वालों का लिस्ट लगा है, जिसके अंदर से बहुत सारे हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर, अलग अलग जो कॉर्पोरेशन के स्कूल है उसके अंदर। तो आप लोगों को भी चांस है, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास ज्वाइन अभी से करना है, क्योंकि याद रखिए अगला एग्जाम जो होने वाला है टेट का, अगले एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगली बार थोड़ी सीटें भी कम रहेंगी इस बार के मुकाबले में, और अगले बार जो पास होने वाले कैंडिडेट जो है टीटी और सीटेट पास होने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, तो इस एतबार से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और अवेयरनेस भी बढ़ गई है, ये भी एक तरह से वजह है कि कंपटीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। पहला राउंड जो आज हुआ है, पहले राउंड का आज जो लिस्ट लगा है उसकी अगर माने तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन इंग्लिश मीडियम वालों को था। इंग्लिश मीडियम वाले अगर मेहनत करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को, आपको मार्क्स 110 के प्लस चाहिए। 110 के प्लस अगर आपका टेट में मार्क्स है तो आप सेफ जोन में रहोगे। क्लियर हो गया आपको? हिंदी वालों को भी 110 के ऊपर रखना है, सीट कम थी उनकी पर उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था, तो 110 के ऊपर है तो पहले राउंड में ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं उर्दू वालों का, तो उर्दू वालों में स्पेशल जो है आपका पेपर सेकंड के अंदर सोशल वालों को, सोशल वाले अगर आप पेपर सेकंड सोशल वाले हो तो आपको कम से कम 3 से 4 महीना देना पड़ेगा टेट एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, जहां बच्चों को नहीं समझ में आता क्योंकि वो क्या है सोशल वाले हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़े हुए, उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हुआ तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे बच्चों को बोलूंगा अभी से कम 3 महीने की आपको क्लास लगाना चाहिए ताकि एग्जाम में आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको ही बोलूंगा भाई कि आपका मार्क्स 100 प्लस होना चाहिए सोशल के अंदर, 100 प्लस रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांस है सोशल वालों के लिए। आप सोशल वाले हो तो 110 पकड़ के चलो, अगर 110 रहेगा तो आप सेफ जोन के अंदर हो, और पेपर फर्स्ट वाले हो तो 100 प्लस पे आप सेफ जोन पे हो, अगर आपका कोई ओबीसी जनरल ओबीसी अगर आपका कोई कास्ट नहीं है ठीक है तो 100 पे आप सेफ जोन में रहोगे पहले राउंड में, और 95 के ऊपर ओबीसी रहेगा तो सेफ जोन में रहोगे। ज्यादातर जो सीट क्लोज हुआ है ओबीसी वालों का वो 90 पे क्लोज हुआ है, बट अगली बार कंपटीशन और बढ़ेगा तो हो सकता है 95 भी नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूँ 100 रहेगा। तो पेपर फर्स्ट के लिए 100 जो रहेगा, फर्स्ट राउंड के लिए सेफ जोन जो रहेगा वो 100 प्लस होने वाला है, और पेपर सेकंड के लिए 100 प्लस 110 प्लस पकड़ के चलो। तो मैं बोलूंगा सोशल वाले जितने हैं पेपर फर्स्ट वाले पेपर सेकंड वाले उनको टेट का एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, कम से कम 3 महीना 4 महीना आपको देना है। वैकेंसी अगली बार कम आने के चांसेस है, अगर इस बार 1800 के आसपास था तो अगली बार जो चांस है 1000-1200 रहेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट वालों का जो क्वांटिटी जो रहेगी 50% यानी 500-600 के आसपास रहने के चांसेस है। इसलिए मैं बोलूंगा भाई आप क्लास अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हो, जो मेरा नंबर दिया है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप करके जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर लेना, जो भी फीस वगैरह आपको पूरा डिटेल टेट क्लास का मिल जाएगा। टेट क्लास अगले महीने में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लो, कम से कम आपको 3 से 4 महीना चाहिए सोशल वालों को। मैथ्स वालों को तब प्रॉब्लम नहीं होता, वो थोड़ा सा मैथ्स का बैकग्राउंड होता है तो वो आसानी से हो जाता है। हाँ, प्रॉब्लम किसको होता है, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो जिनका भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं हो चाहे सोशल वाले हो या ना हो, आपको अच्छा खासा तैयारी के लिए वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो है बार बार बोलना भाई मेरे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, फिर बाद में मुझे मत बोलना, जैसे मैं पिछली बार भी बोला था एनालिसिस, अगर मेरा पुराना उठा के देखो वीडियो का, कि पहला राउंड का मैंने एनालिसिस करके बताया था भाई जो टीटी का जो टैट का रहेगा वो मार्क्स 90 के आसपास जाएगा, सब सेफ जोन में है। तो इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वालों के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ टैट का,
तो 3 से 4 महीना एक क्लास चलने वाली है। और अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। टेट का एग्जाम जो है 2 महीने बाद, यानी जब भी महाटीटी एग्जाम होगा उसके 1.5 से 2 महीने के बाद चांसेस है कि हो जाएगा, यानी कि जुलाई और अगस्त के आसपास चांस है बहुत ज्यादा कि आपका टेट का एग्जाम होने के चांस है। ठीक है, तो टेट का एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त के आसपास बहुत ज्यादा चांस है होने के। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो कम से कम आपको 3 महीना मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।